नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। राजस्थान में सियासी संकट अभी थमा नहीं है। हालांकि सचिन पायलट ने रविवार देर रात ये साफ कर दिया था कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। सूत्रों की माने तो सचिन पायलट थर्ड फ्रंट बनाने पर विचार कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो उन्हें 30 विधायकों का समर्थन मिलता दिख रहा है। वहीं अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो उन्हें 18 विधायकों का साथ मिल सकता है। सचिन पायलट की इस बगावत ने इतिहास के पन्नों को एक बार फिर से पलटा है। सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट ने भी कई बार कांग्रेस पार्टी में बगावती सुर बुलंद किए। कई बार तो बात यहां तक पहुंच गई जब राजेश पायलट ने सीधे गांधी परिवार को भी चुनौती दे डाली, मगर उन्होंने कभी पार्टी नहीं छोड़ी। साल 1997 में राजेश पायलट ने बागी तेवर दिखाते हुए सीताराम केसरी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ा। हालांकि पायलट इसमें सफल नहीं हो पाए और सीताराम केसरी ने शरद पवार और राजेश पायलट को हरा दिया। साल 2000 में जब बागी नेता जितेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस अध्यक्ष पद पर सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा तो राजेश पायलट ने उस वक्त बागी तेवर दिखाते हुए जितेंद्र प्रसाद का साथ दिया। इस बीच 11 जून 2000 को एक सड़क दुर्घटना में राजेश पायलट की मौत हो गई और दूसरी तरफ जितेंद्र प्रसाद चुनाव हार गए और सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बनी रही। लेकिन आखिरी वक्त तक कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को चुनौती देने के बावजूद राजेश पायलट कांग्रेस में ही बने रहे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।